बेस्ट डेब्यू के लिए मुझे बताया गया है और उस अवार्ड के लिए मैं यहाँ पे खास तौर पे आया हूँ, मेरी पहली फिल्म मिकी वायरस के लिए। तो अच्छा लगता है जब नॉमिनेशन आते हैं, अवार्ड्स आते हैं, लोग काम को सराहते हैं। आई थिंक यही एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, मैं होस्टिंग नहीं कर रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे सिर्फ एज ए गेस्ट आया हूँ। आई नो मैं जनरली जहाँ पे दिखता हूँ लोगों को लगता है मैं शायद होस्टिंग करूँगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, आज मैं होस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। ये पोनी टेल का राज है यार, एक लुक के लिए प्लान हो रहा है तो मैं आई एम गेटिंग यूज टू इट, मुझे आदत नहीं है पोनी की, तो ये मैं थोड़ा सा एक चेंज है जो मैं प्लान कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। नहीं यार, मैं शाहरुख खान नहीं बनूंगा, मैं मनीष पॉल हूँ और मैं वैसे ही खुश हूँ। आई ऑलवेज डू, आई ऑलवेज लाइक टू वेयर सूट्स एंड हियर आई एम अगेन इन द सेम काइंड ऑफ सूट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रेसअप करने में और इसलिए मैं करता हूँ। मैंने बंगाली गानों की क्षमा चाहता हूँ जो मैंने बंगाली गानों की ऐसी तैसी करी है, तो मैं ऐसी गाता रहता हूँ। रिता रिता उन्डोले ए माधो रेता उन्डोले कर हशर को ले रोलो नूतन जीवन को रे आए, यही एक बंगाली गाना है जो मैं थोड़ा बहुत ठीक गा लेता हूँ, बाकी तो मैं क्या करता हूँ सबने झलक में देख लिया। यार ऋतिक रोशन जो है उनको बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आई थिंक उनको थैंक यू कहना चाहेंगे बिकॉज उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट दी है लाइक क्रिश, और यही चाहेंगे कि आगे भी ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में देते। रिपब्लिक डे पे यही विश करना चाहूँगा सबको कि देश का ख्याल रखें, देश को प्यार से रखें, और हम सब देश को बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल। यार एक्चुअली तेरे बिन लादेन जो मेरी आ रही है फिल्म तेरे बिन लादेन पार्ट टू, उसका एक सॉन्ग है विच इज़ नॉट रियली एन आइटम सॉन्ग बट काइंड ऑफ एन आइटम सॉन्ग, जिसमें मैं खुद हूँ, तो उसके लिए एक हम लोग प्लान कर रहे थे कि लुक डिफरेंट करते हैं, तो उसके लिए लुक प्लान किया जा रहा है।